हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स, जो मार्केट में हम पिज़्ज़ा जाके खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे सब्जियाँ डाल के इसको बनाया है। बहुत ही चटपटा, बहुत हेल्दी है। तो जब भी आपको कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है या मार्केट का पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तभी आप इस ब्रेड पिज़्ज़े को बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए ले लिए हैं मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस, आपको जितने बनाने हैं उतने ले लीजिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच टमाटो सॉस। अब हम कुछ सब्जियाँ देख लेते हैं, जिसमें मैंने ले लिया है 1 कैप्सिकम यानी कि 1 शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। 1 गाजर ले लिया है बारीक कटा हुआ। 1 बारीक कटी मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है। 1 बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ पर ये टमाटर ले लिया है। सब्जी आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अगर इसमें से कोई सब्जी नहीं है तो आप उनको हटा भी सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है मोजरेला चीज़। आप की जगह मोजरेला प्रोसेस, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। तो अब हम लेंगे इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम सारी सब्जियों को डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास जो पिज़्ज़ा के ऊपर लगाने वाले ऑलिव्स वगैरह हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आप इसको जितना चाहे हेल्दी टेस्टी बना सकते हैं। तो सारी सब्जियों को हम इसी तरह से एक बाउल में डाल देंगे। बहुत ही झटपट से बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, कभी भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काला नमक। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इसे बना के जरूर देखना। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसकी जगह सिंपल नमक भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। इसमें भी नमक होता है तो नमक हम हिसाब से ही डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो चीज़ लिया है उसमें से हम थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे इसमें, बाकी का चीज़ हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो इसी तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से हमारी स्टफिंग जैसी बन के तैयार हो जाएगी। इससे जो हमारा पिज़्ज़ा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने स्टफिंग को बना लिया है। अब हम लेंगे इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस। ये समझ लीजिए ये आपको 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से हम ब्रेड के स्लाइसेस पर ये इस तरह से टमाटो सॉस लगा देते हैं। टमाटो सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो सॉस लगा सकते हैं, कोई भी सॉस लगा लीजिए। अब मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस लगा दी है। अब हमें सारी सब्जियों को इस अच्छे से फैला देते हैं। तो सब्जियाँ अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा लगा सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद है। तो इसी तरह से अच्छे से हमें इनको फैलाएंगे चम्मच की हेल्प से, हाथों की हेल्प से। ये देखिए, ये मैंने सारी सब्जियों को इस तरह से फैला लिया है। देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब मैंने यहाँ पर जो चीज़ लिया है तो इस तरह से हम चीज़ को डाल देते हैं। चीज़ आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना जैसा आपको पसंद है वैसे आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हम चीज़ को भी डाल देंगे, अच्छे से सारी सब्जियों को कवर कर देंगे। तो ये लीजिए, ये हो गया हमारे अच्छे से कवर होके तैयार। चीज़ वगैरह सारी सब्जियों में डाल दी हैं। ये देखिए, देखने में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी उठा के खा लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, इससे देखने में बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और थोड़ा सा हम ले लेंगे ओरिगेनो। अगर आपके पास है ओरिगेनो तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें ओरिगेनो, मिक्स हर्ब्स कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है और जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, ये हो गए हमारे सिकने के लिए तैयार। देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको सेक लेते हैं। तो अब हम रखेंगे गैस ऑन करके एक तवा, और इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। बटर की जगह आप यहाँ पर घी ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके पास पसंद है आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हम सारे बटर को अच्छे से फैला देंगे। गैस का जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब हम इनको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम पर हम इनको पका लेंगे तो जल्दी से ब्रेड जल जाएंगे नीचे से, और ऊपर से अच्छे से जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो पाएगा और सब्जियाँ भी इसमें कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। देखिए अच्छे से इनको सेट कर दिया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इनको कवर करके पकाएंगे, जिससे कि जो चीज़ है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आप कोई इस तरह का ढक्कन या कुछ थाली प्लेट ले सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि इसमें से कोई भाप वगैरह बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हम इसको सेकने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना सुंदर कलर आया है। ये देखिए बहुत ही प्यारे से
एकदम कलर आ चुका है, और उसमें जो चीज़ है वो भी देखिए कितना बढ़िया से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल चीज़ इसमें नहीं है, सारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, यानी कि जो हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा है एकदम बढ़िया से बन चुका है बिल्कुल मार्केट के स्टाइल में। अब हम सारे ब्रेड को इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक है, तो इस तरह से हम सारे ब्रेड को इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एकदम क्रंची बने हैं, जब आप बनाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए वाह बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बने हैं। मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल भी जले नहीं है बल्कि बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बिल्कुल भी जले नहीं है। तो फ्रेंड्स आप भी एक और इस तरह से अपने घर में ब्रेड पिज़्ज़ा ज़रूर बना के ट्राई करना, मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आपको मेरा ये ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।